नहीं आई थिंक हम लोग एज एक्टर्स सबसे पहले रोल चूज नहीं करते, फिल्में चूज करते हैं, क्योंकि आपको स्टोरी शायद बहुत पसंद आए तो लगता है कि ये फिल्म बननी चाहिए, और इसमें अगर आपका किरदार अच्छा हो तो आपको लगता है कि उसमें काम करना चाहिए। बैंजो का कुछ ऐसे हुआ, जब मुझे कहानी सुनाई गई थी, रवि जी और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन जब शुरुआत उसकी की थी तब उसके डायरेक्टर, उस फिल्म के डायरेक्टर रवि थे, को प्रोड्यूसर भी थे, बालक पालक हम लोगों ने इकट्ठा प्रोड्यूस और रवि जी ने डायरेक्ट की थी, तो इस दोस्ती का सिलसिला तब से शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सोचा कि एक साथ काम करना चाहिए, दो तीन स्क्रिप्ट्स हम लोगों ने सोची थी, पर सबसे पहली स्क्रिप्ट थी बैंजो, एंड आई एम ग्लैड के उसके 3-4 साल बाद यू नो एक्टर डायरेक्टर इकट्ठा आते हैं, बट एक अच्छे प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी होता है, एंड आई एम ग्लैड दैट मुझे फिर पता चला कि रवि जी और कृषिका जी इकट्ठा आकर ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड देन दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर द फिल्म, सो आई वॉज ग्लैड दैट आफ्टर सो मेनी ईयर्स बोथ ऑफ देम थॉट ऑफ मी, एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। कृषिका जी, जो भी फिल्में आपकी रही हैं उसमें म्यूजिक जो है वो हमेशा बहुत ही बेहतरीन रहा है। तनुवेज मनु का नाम लिया था मैंने, देसी बॉयज का लिया था, अभी आपकी एक और फिल्म हैप्पी भाग जाएगी, गाने भी बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं, एंड नाउ बैंजो का आज पहला गाना जो आप लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट डू यू लाइक ट्राई एंड हियर इन अ सॉन्ग के यस ये गाना जो है इट विल वर्क फॉर द फिल्म? व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग एंड स्पेशली द लिरिक्स आल्सो गोज हैंड इन हैंड एंड यू स्टार्ट टैपिंग योर फीट, आई मीन You just start enjoying basically any music you hear, any tune, it has to hit the pulse. So that's how you start enjoying any music we hear till now, I'm sure. And banjo itself, when you think of banjo and you can think of Ganpati songs, they go very hand in hand. You know, the song, the name, it goes with banjo means Ganpati. Yeah. Or it's you can hear it in Navratra. So it's about it's about the music of a banjo music. It's a musical film, and banjo player. It's about the banjo players who deal with the people in this today's world. So I would say that Ganpati's song has to be released, and unfortunately, we are coming before after Ganpati. So the song is very important at that day, and that's why we're here to launch the song. Right, sir, Vishal Shekhar were always your choice to compose the songs for this film? Yeah, absolutely, because they are my हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, हम काफी हम तीनों actually काफी दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्ट्रीट म्यूजिक है इंडिया का उसका अगर फ्यूजन हो गया और तो इंटरनेशनली को ज़्यादा सुना जाएगा, और आई एम श्योर कि विशाल शेखर जिस तरीके से जो यहाँ का म्यूज़िक है, अपनी मिट्टी का जो एक म्यूज़िक है, उसको जहाँ जिस तरीके से वो एक वेस्टर्न बीच में डालते हैं, गणपति में जो उन्होंने जो यूज़ किया है सब जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसके साथ उन्हें जो इंटरनेशनल डिफरेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसका जो फ्यूजन है, आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी कलरफुल एंड इट्स सेलिब्रेशन है बेसिकली, एंड फॉर मी ऑल्सो इज सेलिब्रेशन बिकॉज पहली हिंदी फिल्म है, पहले हिंदी फिल्म का पहला गाना है, और पहला गाना वो भी गणपति बाप्पा पे, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। बहुत सारे सवाल आपके भी होंगे, सो रितेश पहला सवाल ये है कि कुछ साल पहले ऋतिक रोशन की अग्निपथ आई थी, उसमें जो गाना था देवश्री गणेश बहुत पॉपुलर हुआ था, सचिन जिगर का म्यूजिक था, फिर अभी बाजीराव मस्तानी में गजानन सॉन्ग बहुत पॉपुलर, और इस साल आप लेकर आए हैं पापा सॉन्ग, इस गाने की खासियत क्या है और आपको क्या लगता है कितना लोगों को छू पाएगा, और क्या इस फिल्म में इस गाने पे आप डांस भी करते नजर आएंगे? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जब बैंजो की स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई थी, आई फेल इन लव विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर, पर क्या है कि जब नरेट किया गया था तब म्यूज़िक नहीं था, तो हमें पता था कि ये 5 गाने आएंगे, और अगर पूरी फिल्म पूरी फिल्म का नाम ही बैंजो एक इंस्ट्रूमेंट है, और अगर म्यूज़िक अच्छा ना हो देन द फिल्म फेल्स, और मुझे लगता है कि इस फिल्म के असली हीरो मैं हमेशा कहता हूँ विशाल और शेखर है, जो उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है, इस फिल्म की असली बैकबोन वो है, एंड आई थिंक रवि हैज़ ऑलवेज गिवन ग्रेट म्यूज़िक, उनकी कोई भी मराठी फिल्म आप ले लीजिए हमेशा ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक रहा है उनका, दैट्स बिकॉज ही इनहेरेंटली हैज़ अ ग्रेट ईयर, उनको म्यूज़िक की समझ उनकी बहुत अच्छी है,
और मुझे लगता है उसी के वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है रवि ज़ादा, विशाल और शेखर का, इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। जहाँ आपका सवाल था कि अग्निपथ का एक गाना था, फिर बाजीराव मस्तानी में दूसरा गाना था, ये तीसरा गाना है उस सीरियल में। बट यू नो आई जस्ट फील दैट ये गाना अलग इसलिए है क्योंकि जैसे रवि जी ने भी कहा कि इंडियन सॉन्ग है, गणपति इज़ एन इंडियन गॉड, और उसका पूरा जो साउंड है बम्बई साउंड है, मुंबई का साउंड है, दिस इज़ वेरी स्ट्रीट इंडियननेस बहुत उसमें ज़्यादा है। बट ही ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ फ्यूजन कि अगर बेस गिटार यूज़ किया जाए उसको किस तरह थोड़ा वेस्टर्न बनाया जा सकता है, अगर गणपति की आरती अगर रॉक तरीके से गाई जाए तो उसका क्या अलग फील आ सकता है, एंड दैट्स व्हाट दे हैव ट्राइड टू अचीव। वी कैन जस्ट होप एंड प्रे दैट कि लोगों को ये गाना पसंद आए, जितने लोगों ने गाना देखा है सुना है और ट्विटर पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनको पसंद आ रहा है, बट इट्स टू अर्ली एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट इट डज इक्वली वेल। रितेश, आज रक्षाबंधन है, आप इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करते हो, क्योंकि आज प्रमोट करने में पूरा दिन जाने वाला है आपका। जी, तो मिस कर रहे हो इस दिन को, मतलब किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले? नहीं, उन्हें राखी भेजी है और घर में जितने भी बच्चे हैं, कजन्स हैं, वो सब आरती, छोटी सी सेरेमनी होती है, सो आई थिंक घर बहुत ही माहौल होता है एंड वी सेलिब्रेट It's like every other home. Strategy. ये जगह नरगिस के लिए रखी है हमने वो मुझे लगता है हर एक्टर्स के डेट्स होते हैं अलॉटेड एंड शी विल जॉइन अस सून। Unfortunately, she's not here for the song, but वो ट्वीट कर रही है, उनकी प्रायर कमिटमेंट्स थी और ये अचानक ये प्रोग्राम बन चुका है, वॉज क्लोज बाय, सो आई कुड कम एंड मैनेज दिस। पर मुझे लगता है ये पूरी टीम इकट्ठा प्रमोट करेगी, बैंजो इज़ कम्प्लीट विथ रवि सर, कृषिका जी, नरगिस, विशाल, शेखर, माई सेल्फ एंड एवरी वन, सो इट्स कोई एक लीड नहीं करता, एज अ टीम वी गो टुगेदर। Ritesh, of course, you're playing a banjo player in this. Was there some interaction with the real life students? Yes, to get into the character? No, of course. And also for the fact that now you've played this character, is there some sort of keen interest in their music or when they pass by through the streets of Mumbai? Does it kind of get your attention? No, I'll answer the second part. I think it's not now. I think banjo music and banjo parties, whenever they pass next to your car or next to your house or next to your street, it always catches your attention. क्योंकि उनकी खासियत ही यही है कि वो इतना मास म्यूज़िक है, उतने उनके बीट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपका अटेंशन अपनी ओर खींच ही लेते हैं, उनकी वही खासियत है। तो इस फिल्म के वजह से मेरा अटेंशन उनके पास जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी वजह से इस फिल्म की ओर हम सब का अटेंशन गया, हम लोगों ने ये सोचा कि इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए और ये फिल्म बन रही है। आई थिंक I have answered. What was the first? And also the interaction you probably. Yes, and I think जब मैंने पहली बार I mean जब हम लोगों ने final draft सुना है इस फिल्म का 6-7 drafts के बाद और हम लोग okay let's go, तो रवि जी gifted me a banjo. He said कि this is for you and now let's start. So वो banjo मैंने रखा और I think that will be like my prized possession that my director gifted me a banjo when we just froze the script. बहुत सारे गाने हैं जो हर फेस्टिवल में बजते हैं और हर फेस्टिवल के लिए, क्योंकि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इसलिए उन पर गाने और भी बनते हैं, इसलिए पॉपुलर होते हैं, एंड आई थिंक आई होप के अलॉन्ग विथ ऑल द अदर ग्रेट सॉन्ग्स, चाहे वो अग्निपथ का हो, चाहे हम लोगों ने डिस्कस किया बाजीराव मस्तानी का हो, और आई जस्ट होप दैट इस बार लोग ये भी गाना पसंद कर इसे भी बजाएं।
ओके आप तीनों से जानना चाहूँगा क्योंकि फिल्म का प्रमोशन चालू हो चुका है और प्रमोशन के लिहाज से आपने गाना भी लॉन्च किया पापा रवि जी आपसे जानना चाहूँगा क्या जरूरत थी उस गाने की या कहानी को ये आगे भी लेके जाता है एक्चुअली कहानी की जरूरत थी कि आई थिंक फिल्म में 6 गाने हैं और 6 गाने को बोलता हूँ इस पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले वो स्टोरी है हर गाने में एक सीन आगे जाता है हर गाना एक सीन है ऐसे स्पेशल कोई ऐसे गाने नहीं कि जो फिल्म में गाने चाहिए इसलिए डाले हैं बिकॉज फिल्म इज़ अबाउट म्यूजिक सो इसमें जो भी गाने हैं वो मेरे लिए सीन्स है तो ये फिल्म का पहला सीन है जहाँ पे गणपति सॉन्ग है फॉर मी इज़ अ सीन वहाँ काफ़ी सारी घटनाएं घट रही है उस गाने में आप जो वीडियो देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा वहाँ कोई एक लड़का है जो रिकॉर्ड कर रहा है इस गाने को आई थिंक उस रिकॉर्डिंग से पूरी फिल्म की स्टोरी बनती है तो फॉर मी इज़ अ स्क्रीन प्ले from some Indian has won and it we were waiting from so long ki like anybody from our Indian team should win so I think we are very happy and big congratulations to her I think it's a proud moment that's why we celebrate with Ganpati song no of course kya hai ki it's a moment of pride for the entire country और ये मुझे लगता है शायद पहली बार रेसलिंग में एक महिला को इंडियन महिला को ये मेडल मिला है एंड इसकी शुरुआत शायद केडी जाधव साहब से हुई थी 1952 में जब पहली बार इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल मिला था किसी इंडियन को ब्रॉन्ज मेडल और आज फर्स्ट फीमेल रेसलर जिनको मेडल मिला आई थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड और जिस आई थिंक वी ऑल शुड सेलिब्रेट दिस सक्सेस एंड इफ इट्स अप टू मी आज उन्होंने मेडल जीता है आज हमारा गाना लॉन्च हुआ है फ्रॉम आर टीम आई लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू हर यू नो नहीं आई थिंक एवरी वन इज़ डूइंग द बेस्ट और कोई इसलिए नहीं जाता वहाँ के उन्हें हारना पसंद है या हारने का शौक है सब लोग मेहनत करके जाते हैं ताकि वहाँ पर जीत सके और अपने देश का सम्मान और गौरव बढ़ा सके और मुझे लगता है कि इवन सिंधु आई थिंक इफ़ शी She's played really well, and I wish her. I think she beat number 2, right? Yeah. Number 2, and now she's up against number 6. So we wish her all the best, and another medal in our kitty would be great. Thank you, sir. We can talk about everyone, sir. I'm a huge fan of RD Saab. So, thank you. All right. Yeah, we are saving the song. Biopic. Gana song. Yeah, we're launching the song. Yeah, yeah. Within the industry, really. They are talk with Amir Khan to play RD Bhavan. Priyanka Chopra to play Aasha. I have no idea, so I don't want to give my take on speculations, but I think there are legendary people in our country और जिनके ऊपर biopics बननी चाहिए और बने तो और ज़्यादा लोगों को मज़ा आएगा उनको उनके बारे में सीखने को मिलेगा I think biopics are great और RD Burman साहब के ऊपर biopic बन रही है तो बहुत अच्छी बात है Friday का ticket तो मैं निकाल